हेलो सर, मेरा नाम निकिता है, मैं मास्टर्स बैच से हूँ। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि जो स्टूडेंट्स रेडियो में आना चाहते हैं उनके लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड है? देखिए, रेडियो में आने के लिए सिर्फ एक ही स्किल रिक्वायर है कि आपको रेडियो में आना है, वो इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये इच्छा होनी चाहिए। और रेडियो में क्यों आना है आपको? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि रेडियो में आना है और मुझे सिर्फ बोलना ही है, लेकिन रेडियो सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं है। रेडियो बहुत विशाल एक मीडिया है जिसमें बहुत सारे और काम भी होते हैं, जैसे स्क्रिप्ट लिखना है, शो को प्रोड्यूस करना होता है, आरजेस का जो कंटेंट है उसको डिजाइन करना होता है। सो बहुत सारे ऐसे काम हैं, प्रोमो प्रोडक्शन होता है, आपको थोड़ा टेक्निकल साइड पे जाना है तो उसके लिए भी काफ़ी सारे उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं। तो रेडियो में आने से पहले रेडियो को सुनना पड़ेगा आपको। पहले सुनने के बाद ये तय करना पड़ेगा कि आपको इसमें से कौन से क्षेत्र में जाना है। और अभी रेडियो में क्या क्या लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है जो कि हम स्टूडेंट्स को बता पाए या हमें जानना चाहिए? रेडियो मेरे हिसाब से अभी रेडियो दो नाव में पांव रखकर सवारी कर रहा है। एक तो है वो रेडियो खुद और दूसरा जो है वो सोशल मीडिया। तो कोई भी आरजे है या कोई भी रेडियो ब्रॉडकास्टर है उसको अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाए रखना होता है, क्योंकि आज ज्यादातर यंगस्टर्स जो है वो हुक ऑन हो गए हैं सोशल मीडिया पर, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक भी अभी तो बहुत कम लोग करते हैं, तो इंस्टाग्राम है और भी कई प्लेटफॉर्म्स होंगे, तो वहाँ पर आपका एक्टिव होना बहुत जरूरी है। ओके, और वहाँ पर क्या हो रहा है इसके बारे में आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। कोई भी एक एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहें? रेडियो में आना है या किसी और क्षेत्र में भी जाना है मीडिया का, उसमें आपको मेहनत बहुत करनी पड़ती है। लोगों को ऐसा है कि शॉर्टकट है, तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस डजंट हैव एनी शॉर्टकट, तो आपको बहुत सारी मेहनत करनी है, यही मुझे बोलना है। थैंक यू सर। थैंक यू।